क्लास शुरू करने वाला हूँ। आवाज सभी को सुनाई दे रही? प्राची, गुड मॉर्निंग। तो आज की क्लास होगी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर बेस्ड। इतने पॉइंट्स हैं, इनको पढ़ो और देखो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आज मैं बस शुरू करने ही वाला हूँ। 1 मिनट के अंदर बाकी लोगों को भी आने दो। एक्चुअली आज कम लोग दिख रहे, जैसे ही आते हैं जस्ट शुरू करता हूँ मैं। ठीक है, फास्ट आ जाओ, जल्द से जल्द आ जाओ ताकि क्लास जल्द से जल्द शुरू कर सके। आवाज की इश्यू तो नहीं है ना? आवाज सुनाई दे रही सभी को? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग प्राची। और प्राची और कौन कौन आया देख लो, वेट कर लो, 1 मिनट और वेट कर लेते हैं, बाकी सबको आने देते हैं, फिर शुरू करते हैं क्लास। ठीक है, तब तक वो जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं मैंने, इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ जाओ। इंस्ट्रक्शंस पढ़ो और देखो ये पैसेज जो हम लोग को कल मैंने कहा था कि पैसेज सॉल्व करवाऊंगा, ये पैसेज जो हम लोग को करवाना है कैसे करेंगे ये देख लेंगे। चलो इंस्ट्रक्शंस मैं दे देता हूँ। देखना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। पहली चीज की पैसेज पढ़ते हुए कठिन वर्ड्स को अंडरलाइन करना होता है। मैं जैसे चाहता हूं वैसे करो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कोई 1 दिन 2 दिन या 1 महीने 2 महीने की कहानी नहीं है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपकी लाइफ टाइम अचीवमेंट होती है। आपको नॉवेल्स पढ़ना चाहिए, आपको फिक्शंस पढ़ना चाहिए, आपको और भी इस तरह से न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। ठीक है, ऐसी कहानियां, आत्मकथाएं, ऐसी कुछ चीजें पढ़नी चाहिए। वी आर द रीडर्स, हम लोग पढ़ने वाले हैं। मनुष्य जानवरों से केवल एक तरीके से अलग है कि जानवर पढ़ नहीं सकते, समझ सकते हैं, लेकिन मनुष्य पढ़ भी सकता है और समझ भी सकता है। ठीक है, तो रीडिंग मेक्स अस डिफरेंट। ठीक है, इट क्रिएट्स द ह्यूज डिफरेंस। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग संदीप, आरपी सिंह आ जाइए, जागृति सिंह, हाँ हाँ याद है मुझे। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे, अंडरलाइन करेंगे ऐसे कठिन वर्ड्स को, पहला काम करेंगे। दूसरा, हम लोग उन कठिन वर्ड्स की मीनिंग ढूंढने के लिए डिक्शनरी डाउनलोड करेंगे अपने मोबाइल में। एक पॉकेट डिक्शनरी हो गई। कभी भी इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को अपने जेब में एक डिक्शनरी मोबाइल में रखना पड़ेगा। कभी भी कोई कठिन वर्ड आता है उसको सेव कर लो और उसको आगे के लिए भी याद कर लो, उसके सिनोनिम्स ढूंढ लो। ये क्रिएटिविटी कही जाती है। ठीक है, और साथ साथ उसके जो है सेव किए हुए वर्ड को सर्च वर्ड्स फॉर द फर्दर, मतलब क्या, कुछ सेव किए वर्ड्स जो है उनके और भी सिनोनिम है, उनको किताब से कहीं ढूंढने की यूज करो, उनको डेली लाइफ में यूज करना सीखो और साथ ही साथ उस पर पेनेट्रेट और पॉन्डर करो। ठीक है, पेनेट्रेट और पॉन्डर मतलब गहराई से सोचना। जो कहानी आपने पढ़ी उसका कोई एक मैसेज निकलता होगा, मैसेज ऑफ द स्टोरी क्या है। ठीक है, उस कहानी का थीम क्या है, उसका मोराल क्या है। ठीक है, तो पॉन्डर करना होता है, मतलब डीप थिंकिंग करनी होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखते हुए पैसेज हम लोग पढ़ेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि भर 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 भागे, नहीं, सरल पैसेज दूंगा। मैंने ये लिखा था शुरू में ही कि द पैसेज विल बी इजी टू मॉडरेट। देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा और इसमें मैंने लिखा था फ्रॉम इजी टू मॉडरेट, मतलब आज शुरू में सरल दूंगा, फिर धीरे धीरे इसको कठिन करता चलूंगा। ठीक है, हेलो अंकुश आ जाओ। अंकुश देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आज शुरू करने वाले हैं। ठीक है, देखना ये जो है एकेडमी के थ्रू हम लोग एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की क्लास शुरू करेंगे। फिर से बता दूं, कठिन वर्ड्स अंडरलाइन करने हैं, जो नहीं आता तुरंत कमेंट करके पूछोगे। ठीक है, और पॉन्डर करना है उसके थीम पर कि क्या कहानी से शिक्षा मिलती। तो चलो शुरू करते हैं। पैसेज नंबर 1 शुरू कर दिया मैंने। ठीक है, गुड मॉर्निंग आयुष, आइए आयुष और ये क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टोरी, और स्टोरी पढ़कर उसके आंसर्स देंगे। पहले स्टोरी पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर्स बाद में आएगा, क्योंकि स्टोरी बड़ी है
इसलिए एक पेज में नहीं आई है, दो तीन पेजेस में आएगी। तो चलिए शुरू कर दीजिए, मैं गाइड नहीं कर रहा, आप मन में पढ़िए, जो कठिन लगता है बताइए। और लगेगा आपको कि सर से पूछना है तो पूछ लेंगे। वंस अपॉन अ टाइम, ये धैर्य की बात है, ठीक है? पैसेज पढ़ना धैर्य की बात है। कुछ लोग सोचते हैं पैसेज में क्रिएटिविटी नहीं है, छोड़ दो। आपको पता है 5 से 7 नंबर पैसेज का आता है, और आपकी ग्रामर भी पैसे से इम्प्रूव हो जाएगी, जंबल भी पैसे से इम्प्रूव हो जाएगी, और रीडिंग स्किल भी इम्प्रूव होगी, और साथ ही साथ वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होगा केवल पैसेज पढ़ने से। कंसंट्रेशन स्ट्रांग होगा, कम्युनिकेशन अच्छी होती है, इंग्लिश मूवी भी देखने का कॉन्फिडेंस आता है। तो इतनी फायदे हैं, शुरू करते हैं, ठीक है? मैं चुप हो जाता हूँ थोड़ी देर। कोई भी करियर वर्ड होगा तुरंत पूछ लेना, अगर हो जाता है तो डन लिख देना। डन हो गया, अच्छा बताओ किसने क्या पूछा? जैसे एक क्वेश्चन आया मेरे सामने, सर स्टिल्थली का क्या मतलब होता है? स्टील का मतलब होता है चुराना, तो स्टिल्थली का मतलब चोरी चुपके, चोरी चोरी चुपके चुपके, ठीक है? तो स्टील चुराने से याद रखोगे तो कभी गलत नहीं। मैंने कहा ना कि वो वर्ड कठिन नहीं है, वो आदत है आपकी कि जरा सा कठिन वर्ड सामने आ जाए तो ये जो है ऐसा लगने लगता है कि यार ये वर्ड क्या हो गया। आप बनाने की कोशिश तो करो, अब से देखो कभी कभी भी कोई वर्ड सामने आया है तो उसको तोड़कर पढ़ने की कोशिश करो, देखो याद हो जाएगा, ठीक है? वो फील्ड्स में जाता था, उसको खाने को मिलता नहीं था, उस डंकी का नाम क्या था? उड़ता, ठीक है? वो अपने मालिक के खाने से खुश नहीं था, और वो इसीलिए चोरी चुपके से जाकर इधर उधर कुछ ना कुछ खाना शुरू कर देता था, ठीक है? ओके चलो अगला पेज पलटेंगे। एक बार की बात है, द डंकी वाइल्ड वांडरिंग, जब इधर उधर घूम रहा था, हैपेंड टू मीट अ फॉक्स, उसके लोमड़ी मिली। आगे पढ़ो, कोई भी कठिन वर्ड रहेगा तुरंत पूछना, ठीक है? कोई भी करियन वर्ड है तुरंत पूछना, ठीक है? चलो पढ़ लिया होगा, डन लिख देना, ठीक है? कंपेल्ड, वेरी गुड। कंपेल्ड की मीनिंग पूछा है। देखो कंपेल्ड का मतलब होता है किसी को मजबूर करना, ठीक है? मजबूर करना। ऐसे ही पैसेज पढ़ो, एक पेज पढ़ो, लेकिन इस तरह से पढ़ो कि उसका पूरा थीम ऑब्जर्व कर लो। इसको बोलते हैं पेनेट्रेट करना, ब्राउन स्टडी कहा जाता है ऐसी स्टडी को जो बहुत दिल लगाकर करी जाती है, भले ही एक पेज पढ़े, तो उसको बोलते हैं ब्राउन स्टडी। मजबूर कर देना किसी को, एकदम से लाचार कर देना कि नहीं नहीं ये हमको करना ही करना, वश में कर लेना, तो उसको बोलते हैं कंपेल करना। कुछ लोग आंखों में देखकर आपको वश में कर लेते हैं, उसको भी क्या बोलते हैं? कंपेल करना। कुछ लोग आपको वो काम करने के लिए इतना मजबूर कर देते हैं, उसको भी क्या बोलते हैं? कंपेल करना, ठीक है? वाटरमेलन एक तरह का वो होता है, फल होता है, क्या बोलते हैं उसको? वाटरमेलन को फल बोलते हैं, क्या नाम है उसका? अरे हिंदी में बोलते हैं इसको, ठीक है? वाटरमेलन का मतलब होता है फल। इंटेंस डिजायर का मतलब होता है, समझो कि बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा। इंटेंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा तीव्र, तेजी से, ठीक है? तो चलो सुनो क्या हुआ। एक बार की बात है, डंकी जब घूम रहा था तो उसको एक लोमड़ी मिली, दोनों दोस्त बन गए, तो वो दोनों साथ में डिलीशियस फूड की तलाश में निकलते थे। एक रात की बात है, डंकी लोगों को मिला, वाटरमेलन खा रहे थे, मेलन इतना टेस्टी था कि डंकी ने उसे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खा लिया। Having eaten, खाने के बाद, the donkey became so happy, इतना ज्यादा खुश हो गया वो कि
कंपेल्ड बाय एन इंटेंस डिजायर टू सिंग, उसका मन करने लगा, खुशी में आदमी गाना गाने लगता है या नाचने लगता है, सुने हो ना। तो डंकी भी क्या हुआ, खुशी में इतना ज्यादा खुश हो गया कि वो मजबूर हो गया कि अब हमको गाना गाने का मन कर रहा है, गाएंगे। अब भाई, अब बड़ा भाई गाड़ी चलाएगा वाला, ठीक है, सुने होंगे। कुछ दोस्त होते हैं ज्यादा पी लेते हैं तो कहते नहीं है अब बड़ा भाई गाड़ी चलाएगा, तो यही हुआ इसके साथ भी, ठीक है। डंकी ने ज्यादा खा लिया तो वो कंपेल्ड हो गया कि अब बड़ा भाई गाना गाएगा, ठीक है, तो अब ये गाना गाने जा रहा है। अब देखो रात क्या अंधेरा था, किसान न जाग जाए, मुझे तो ऐसा ही कुछ लग रहा, देखना क्या होने वाला है। तरबूज होता है, वेरी गुड, हाँ बहुत अच्छे, नाइस अंकुश। अंकुश वर्कआउट करते हो, लास्ट तक छोड़ते नहीं हो, वेरी गुड, अच्छी क्वालिटी है। एक मिनट रुको, ये फिर से कट रहा है, इसे एक बार क्रॉप करके सही करूंगा ना तो सही हो जाएगा, एक मिनट रुकना। प्रेजेंटेशन हो गए, ओके कहाँ तक हुआ था? हाँ, बाई इंटेंस डिजायर टू सिंग, ओके आगे बढ़ेंगे। अभी क्या बोल रहा, ही टोल्ड द फॉक्स दैट ही वॉज इन सच अ गुड मूड दैट ही हैड टू एक्सप्रेस। उसने फॉक्स को बोला कि भैया मेरा मूड बहुत अच्छा है, मुझे एक्सप्रेस तो करना ही पड़ेगा, ठीक है आगे। हाँ, आयुष अब गाड़ी तेरा भाई ही चलाएगा। टोनी स्टार्क आ जाओ बाबू, क्वेश्चन करना है। कठिन कोई वर्ड भी होगा तुरंत पूछेंगे, ठीक है। आवाज आज सही आ रही है ना, आज मैंने माइक सेट करके लगाया है। प्राची आंसर देना है, क्वेश्चन आंसर बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये तीन पैसेज हो गए, अब आगे चलकर मैं इस पे क्वेश्चन आंसर पूछूंगा। यू आर अ डल फेलो, डल फेलो मतलब यार तुम मर कुचहे से आदमी हो, तुमको इतना अच्छा खाना मिला, खुशी मनाना चाहिए, तुम एकदम मुंह बना कर बैठे हुए हो गंदा सा, ठीक है। इसका मतलब क्या कि वो ये दिखाना चाहता था कि यार कितना मरियल सा फॉक्स है, कभी खुश नहीं होता, नाचता नहीं, हमेशा मुंह बनाकर बैठा रहता है, इस काइंड ऑफ डल मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब बोरिंग। ब्लैक ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है बहुत बुरी तरह से पीटना। ओके अब डन हो गया, डन हो गया हो तो आगे बढ़ूं। चलो अगला पेज, इसको समझा देता हूं मैं क्या था ये, एक बार सुनो। ओके देखो क्या हुआ, जब वो बोला कि मैं गाना गाऊंगा, बहुत अच्छे मूड में हूँ, तो हिज हैप्पीनेस इन अ मेलोडी टोन, बहुत अच्छा, हिज हैप्पीनेस आई एम अ मेलोडी टोन। डोंट बी अ फूल इफ यू थिंक द पीपुल स्लीपिंग इन एंड अराउंड दिस फील्ड विल वेक अप एंड बीट अस ब्लैक एंड ब्लू। भैया गाना मत, क्योंकि तुम्हारा गाना सुनकर, एक तो तुम गधे हो, ऊपर से तुम गाओगे, गाना सुनकर तुम्हारा वो मालिक भड़क जाएगा, अगल बगल वाले लोग जाग जाएंगे और बहुत बुरी तरह से पीटेंगे हम लोग को, ठीक है। विथ स्टिक एंड सेट द फॉक्स वरीडली, चिंता में उसने बोला कि यार स्टिक से पिटाओगे अगर गाओगे तो। यू आर अ डल फेलो द डंकी सेड हियरिंग द वर्ड्स ऑफ फॉक्स, लोमड़ी की बात सुनकर वो कहता है तुम बेवकूफ आदमी हो, तुम यार मत बोलो। सिंगिंग मेक्स वन हैप्पी, गाने से तो आदमी को सुकून मिलता है, कहते हैं म्यूजिक आदमी को रिलैक्स कर देती है, तो ये हर जगह नहीं होता। अब पता चला एग्जाम चल रहा है और उस समय आप इतना रिलैक्स मेड में म्यूजिक सुन रहे हैं तो सिचुएशन गड़बड़ती है, उस समय म्यूजिक नहीं काम आएगा। एंड हेल्दी, नो मैटर वॉट कम्स,
कुछ भी हो, आई विल डेफिनेटली सिंग अ सॉन्ग, मैं तो गाना गाऊंगा ही। ठीक है, आगे पढ़ो। द फॉक्स बिकेम वरीड टू सी द डंकी एंड डिमांड टू सिंग अ सॉन्ग। बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है ये वाला, फाइनल यहीं से मेन थीम निकलेगी। देखो आज की क्लास बहुत इजी पैटर्न पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इनिशिएट किया है, धीरे धीरे इसको टफ करूंगा। मेरे साथ पढ़ो, पढ़ने की आदत बन जाएगी। ठीक है, एक आध 2 महीने बैठकर पढ़ोगे, रोज एक पैसेज करवाऊंगा अब से, रोज एक पैसेज। ठीक है, तो इससे वोकैब भी अच्छा होगा। आज मैंने वोकैब नहीं दिया तो वो वर्ड मीनिंग यहाँ से तैयार हो रही है ना, ग्रामर भी तो तैयार हो रहा। एक तो रीडिंग स्किल, समझने की पावर, सब कॉम्प्रिहेंशन इसी को बोलते हैं ना। एडमंट का मतलब जिद्दी होता है, याद रखना। एडमंट को ऑब्स्टिनेट भी कहा जाता है, ऑब्स्टिनेट। ठीक है, इसी को स्टबर्न भी कहा जाता है, याद रखना। ऑब्स्टिनेट या स्टबर्न या एडमंट, इन तीनों का मतलब क्या होता है? जिद्दी। द फॉक्स बिकेम वरीड, फॉक्स को चिंता हो गई, टू सी डंकी एडमंट, डंकीज एडमंट, डंकी के जिद की वजह से, टू सिंग अ सॉन्ग, की वो गाना गाएगा इन द मिड्स ऑफ द फील्ड। मिड्स मतलब मिड में, मिड्स मतलब मिड, मिड्स मिड मतलब मिडिल, मिड ऑफ द फील्ड। व्हाइल द ऑनर वॉज स्टिल स्लीपिंग, क्योंकि अभी भी ऑनर सो रहा था, ओनली अ लिटिल डिस्टेंस अवे, थोड़ी दूरी पर, सीइंग हिज एडमेंस, उसकी जिद्दीपन को देखकर, ही सेड टू द डंकी, फॉक्स ने डंकी से कहा, फ्रेंड वेट अ मिनट, एक मिनट रुको, बिफोर यू स्टार्ट, तुम्हारा शुरू करने से पहले, फर्स्ट लेट मी जंप ओवर द अदर साइड ऑफ द फेंस, दीवार के उस पार मुझे भाग जाने दो। ठीक है, फॉर माई सेफ्टी, किस चीज के लिए? मेरी सेफ्टी के लिए। सेविंग सो द फॉक्स जंप्ड ओवर द अदर साइड ऑफ द फेंस, ये कहकर फॉक्स क्या करता है, अदर साइड ऑफ द फेंस दौड़कर चला जाता है, विदाउट लूजिंग अ मोमेंट, एक सेकेंड भी नहीं रुकता, भाग लेता है। अब द डंकी बिगैन, अब डंकी शुरू करते हैं। द डंकी बिगेन इन हिज सो कॉल्ड मेलोडियस टून, अब डंकी अपनी तथाकथित, सो कॉल्ड मतलब होता है तथाकथित मेलोडियस टोन में गाना शुरू करता है। ठीक है, ओके, जस्ट सर कलर कोई और ले लीजिए, दिख नहीं रहा। अच्छा ठीक है, मैं उसके ऊपर अब नहीं चलाऊंगा। ठीक है, मुझे लगा हाईलाइटर है, आप लोगों को दिखेगा। चलो ओके, क्या कहानी हुई कि भैया वो बोला कि तुम गाओ उसके पहले कि हम भाग लें, फिर उसके बाद गाना, और उसके बाद डंकी गाना शुरू करता है। अब क्या गाना शुरू करता है देखो, पढ़ना, कठिन वर्ड होगा तो बताना। वर्ड सेंटेंस पढ़ेंगे, और कभी भी कोई कठिन वर्ड या कहीं भी कोई सेंटेंस या लाइन की मीनिंग नहीं समझ आती, तुरंत मुझसे डिस्कशन करेंगे, मैं लाइव रहूंगा। और मेरा नंबर भी मैंने आप लोग को दिया था कि कभी भी कोई डाउट होता है तुरंत कॉल करके मुझसे पूछो। ठीक है, तो मैं हर समय रीडिंग में आपकी मदद करूंगा, आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा। देखो अगर मैं अभी यहाँ पर नीचे एक नॉवल पीडीएफ के रूप में अटैच कर, या रुको अभी एक एप्लीकेशन बताता हूँ उससे पढ़ो। ठीक है, अभी जस्ट एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा, जैसे ये खत्म होगा एक एप्लीकेशन का नाम बताऊंगा, उससे रीडिंग स्किल स्ट्रांग करना। देखो डंकी ब्रेइंग, डंकी के ढेंचू ढेंचू करने को ब्रेइंग कहा जाता है, डंकी के बोलने को ब्रेइंग कहते हैं। ठीक है, कोई भी कठिन वर्ड दिखे तुरंत पूछना। चलो मैं बताऊं, एक वर्ड आपको पूछना चाहिए था मुझसे, किस तरीके रथ लेसली क्या होता है, रथलेस, तो इसका मतलब था क्रूएल, क्रूएल, इसका मतलब क्या होता है? क्रूएल, क्रूएल का मतलब क्या होता है? इनकैपेबल, अरे ये दिव्यांग हो जाता है, दिव्यांग बोलते हैं ना, कैपेसिटेटेड, इनकैपेसिटेट, कैपेसिटी मतलब क्या होता है बताओ, योग्य, इनकैपेसिटेटेड मतलब अयोग्य, अयोग्य क्यों हो जाता है? क्योंकि उसका हाथ पैर तो इतना पड़ती है मार कि हाथ पैर टूट जाता है उसका, तो इनकैपेबल हो जाता है वो। ठीक है,
फिजिकली चैलेंज्ड हो जाते हैं, ठीक है। रथलेसली का मतलब होता है निर्दय, बहुत बुरी तरह से निर्दयी टाइप, क्रूएल, ब्रूटल, सुना होगा किसी ने, ब्रूटल टाइप, ठीक है। तो तीन वर्ड्स मिले हमें, पहला क्या मिला, ब्रेंग, दूसरा क्या मिला, रथलेस, तीसरा क्या मिला, एक वर्ड था ना इनकैपेसिटेटेड, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, जब वो गाना शुरू किया डंकी, तो ऑनर जाग गया, बगल से छड़ी उठाया और उसने क्या किया, अभी भी डंकी खुशी खुशी गा रहा था, तो ऑनर उठाता है और पीटता है उसको बहुत बुरी तरह से, ठीक है, बहुत बुरी तरह से पीटता है, और डंकी फिजिकली क्या हो जाता है, इनकैपेसिटेटेड हो जाता है टेम्परली, उस समय के लिए। किसी तरह से वो सरक सरक कर ड्रैग हिमसेल्फ आउट करता है, अपने आप को बाहर करता है वेरी डिफिकल्टी से। आगे क्या होता है, द फॉक्स लुक्ड एट द डंकी एंड सेड इन द सिंपैथेटिक टोन, आगे पढ़ो क्या होगा, रथलेसली मीन्स बहुत निर्दयी तरह से, ठीक डन हो जाएगा तो बताना, ठीक है चाची, डन है, चलो। सिंपैथेटिक टोन मतलब दयनीय, दयनीय स्थिति में, बहुत ही दयनीय आवाज में बोलता है कराहते हुए, आई एम सॉरी टू सी यू इन दिस पिटिएबल कंडीशन। पिटिएबल मतलब दयनीय, सिंपैथेटिक मतलब सहानुभूति, पिटी और सिंपैथी दोनों एक चीज होता है, ठीक है। आई हैड ऑलरेडी वॉर्न्ड यू, मेरा अच्छा दोस्त होते के होने के नाते तुमको कहा था कि यार मत जाओ, तुम्हारी ये दयनीय स्थिति देखकर मुझे सहानुभूति आ रही तुम्हारे ऊपर, बट यू डिडंट लिसन टू मी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। द डंकी टू रियलाइज हिज फॉली, फॉली का मतलब क्या होता है, गलती, मिस्टेक, याद रखना, बेवकूफी वाली मिस्टेक को बोलते हैं बेवकूफी, बेवकूफी वाली मिस्टेक को हम क्या बोलते हैं, फॉली, फुलिशनेस से याद रखोगे तो याद रहेगा। एंड हंग हिज हेड इन शेम, और उसने अपना सिर झुका लिया अपनी बेवकूफी, ठीक है। डन, पिटिएबल मतलब दया से बना हुआ, ठीक है। अब बताओ मुझे कि क्या हम लोग, हम बहुत ज्यादा आइंस्टाइन की औलाद तो है नहीं, हम मतलब ऐसा तो है नहीं कि जेनेटिकली इंटेलिजेंट है, हम लोग इंसान हैं, हम लोग मिडिल क्लास स्टूडेंट हैं। अगर हम लोग बहुत तेज होते तो हम लोग डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस और ओएएस की तैयारी कर रहे होते, ठीक है। हम लोग अपनी कंडीशन जानते हैं कि हम लोग मिडिल क्लास हैं, मिडिल जॉब चाहिए, बहुत बड़ा तीर नहीं मारना। हाँ, फर्स्ट स्टेप ये है कि मिडिल क्लास की जॉब चाहिए, धीरे धीरे हम उसको निखारेंगे, ठीक है। और इतना पैसा भी नहीं है कि अब डॉक्टर की प्रिपरेशन करें या फिर हम इंजीनियर बन जाए, बड़ा बड़ा कोर्स के लिए नहीं। तो अपने आप को 1 घंटा टाइम देंगे, धीरे धीरे एक एक पेज पढ़ेंगे, एक एक वर्ड मीनिंग याद करेंगे। मैंने कहा ना कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज नॉट द स्टडी इन 1 डे, एक दिन में या 10 दिन में या 1 महीने में नहीं होने वाली, साल भर 6 महीना लगता है, अपने आप को दिया जाता है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी जाती है। आपको पता होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कॉम्प्रिहेंशन का मतलब, टाइप करके बताओ जरा, कॉम्प्रिहेंशन का क्या मतलब होता है, कॉम्प्रिहेंशन का क्या मतलब होता है, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब आखिर क्या होता है, बताओ। हंग क्यों है यहाँ, हंग देखो, हैंग, उसने पास्ट टेंस की कहानी चल रही थी ना, देखोगी तो प्राची, देखना बाबू, वॉन्ड है पास्ट टेंस, सेड है पास्ट टेंस, लुक्ड है पास्ट टेंस, तो हैंग का सेकंड फॉर्म क्या होता है, हंग, ठीक है। पास्ट की कहानी चल रही है इसलिए ये सब चीज पास्ट में, इसलिए हंग हो जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन की स्पेलिंग बता दो मुझे, सॉरी, कॉम्प्रिहेंशन की मीनिंग बता दो मुझे जरा, बताओ मैं भी जानू, किसी को पता है कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है, नहीं तो सुनो मैं बताता हूं, चलो सुनना ध्यान से। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी, अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी, योर एबिलिटी, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, याद रखना, आपकी समझने की योग्यता ही ये रीडिंग स्किल कहलाती है। तो इसको बोलते हैं हम क्या, कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। इसका मतलब पैसेज बिल्कुल नहीं होता, ओके। चलो अब जो है हम लोग शुरू करने वाले, हाँ
हाँ वेरी गुड, सही है प्राची, बहुत अच्छे। देखना, क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। आप लोग बताएंगे मुझे सबसे पहला चीज कि ये छोड़ो अभी इसकी बात नहीं करेंगे हम, क्या नए 5-7 वर्ड सीखे, 7 वर्ड्स आज हम लोग सीखे ना, वो वर्ड्स टाइप करके कमेंट में बताओ सब लोग फास्ट। ये क्वेश्चन आंसर छोड़ो, मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपकी कंसंट्रेशन वोकैब के लिए कैसी थी। ठीक है, वोकैब के लिए कंसंट्रेशन कैसी थी, कॉम्प्रिहेंशन मीनिंग्स, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, ठीक है, सही है, और वर्ड्स टाइप करके बताना है, ठीक है, और हाँ ये टाइप करना ही करना है, ठीक है, देखना चाहता हूँ मेमोरी पावर कितनी तेज है, ठीक है, पीछे बैक नहीं जाएंगे, चालाकी नहीं करेंगे, ठीक है, तेजी से टाइप करिए, क्या क्या वर्ड से एक जगह कलेक्शन हो जाएगा और रिपीट हो जाएगा। कोई नहीं टाइप कर रहा अभी तक, किसी का आंसर नहीं आया। एडमैन टोनी स्टार्क ने बोला, ठीक है, रथलेसली, कॉम्प्रिहेंशन, पिटिएबल, फॉली, वेरी गुड। डोंकी वॉज सो हैप्पी दैट ही वॉज कंपेल्ड बाई इंटेंस डिजायर टू, वेरी गुड, सही है, बहुत अच्छा। इन कंपेल्ड मतलब क्या होता है, चलो मैं बता देता हूँ, एक आया था फॉली, फॉली का मतलब होता है बेवकूफी, एक आया था कॉम्पेल्ड, कॉम्पेल्ड का मतलब आया था मजबूर कर देना, फिर आया था रथलेस, रथलेस का मतलब क्या हो जाता है, निर्दयी होना, मैंने बताया था एडामंट, एडामंट बताया था, एडामंट का मतलब होता है जिद्दी, जिद्दी के लिए एक और वर्ड बताया था ऑब्स्टिनेट और स्टबर्न, ब्रे करना मतलब होता है ढेंचू ढेंचू करना, गधे की आवाज को ब्रे कहते हैं, ठीक है, और कुछ था ऐसे, पिटिएबल था, और क्या था, और भी ऐसे बहुत से वर्ड्स थे, ठीक है, तो चलो अब जो है क्वेश्चन आंसर पर मूव करेंगे। मतलब मैं ये दिखाना चाहता था कि भैया कुछ वर्ड मीनिंग बहुत आसानी से याद करी जा सके, अप्लाइड वे में, ये कभी नहीं भूलोगे मालूम है, क्योंकि ये कहानी के थ्रू याद किया था। तो चलो सुनेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे हम लोग, अब टू द पॉइंट क्वेश्चन आंसर आएंगे, और हाँ लास्ट में अभी जैसे ये खत्म होगा क्वेश्चन आंसर 5-7, उसके बाद मैं एक एप्लीकेशन बताऊंगा, वो एप्लीकेशन डाउनलोड करना और वहां से पढ़ना शुरू करना, जैसे ये पढ़ रहे हो वैसे वहां से पढ़ोगे, बड़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग कहानियां हैं, ठीक है, तो लिखो, व्हाई डिड मंकी वॉन्ट टू सिंग, मंकी क्यों, सॉरी डंकी क्यों गाना गाना चाहता था, डंकी वॉज सो हैप्पी दैट ही वॉज कंपेल्ड बाई इंटेंस डिजायर टू सिंग, कि ही वॉन्टेड टू वेक अप द पीपल, कि फॉक्स टोल्ड द मंकी टू सिंग अ सॉन्ग, ही वॉन्टेड टू प्रूव दैट ही वॉज गुड सिंगर, नन ऑफ द अबव, वॉट इज द आंसर, वेरी गुड, आरपी सिंह ने आंसर दे दिया, सही आंसर क्या था, ही वॉज कंपेल्ड बाई इंटेंस डिजायर टू सिंग, कि बड़ा भाई गाएगा अब, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। ओके ओके, अगला क्वेश्चन, तेजी से चलेंगे हम लोग, ठीक है, बताना, वॉट वॉज डंकी रिएक्शन, वॉट वॉज डंकीज रिएक्शन वेन फॉक्स सजेस्टेड हिम नॉट टू सिंग, जब फॉक्स ने उसको बोला भैया मत गाओ, तो निम्नलिखित में से कौन सा आंसर होगा बताइए, वेन द फॉक्स सजेस्टेड हिम नॉट टू सिंग, द डंकी एग्रीड विद द फॉक्स, क्या डंकी फॉक्स से अग्रीड हो गया, द डंकी चोज टू डांस, उसने गाने की बजाय डांस सेलेक्ट किया, डंकी बिकेम एंग्री, डंकी गुस्सा हो जाता है और वो बात नहीं करता फॉक्स से, डंकी डिडंट पे अटेंशन, डंकी ध्यान नहीं देता उसकी बात पे और गाना शुरू कर देता है, नन ऑफ द अबव, कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट का ए तो हो गया, दूसरे सेकंड का क्या होगा, जल्द से जल्द आंसर देंगे, नन ऑफ दीज, नहीं, डी इज द राइट आंसर, मेरे हिसाब से डी होना चाहिए था, डंकी डिडंट पे अटेंशन, डंकी ने उनकी बात नहीं सुनी, ध्यान नहीं दिया उसकी बात पे और लास्ट में गाना गाता ही है, ठीक है, तो यही आंसर होना चाहिए था, डी इज द राइट आंसर। टू का ई टोनी स्टार्क बोल रहे हैं और प्राची भी बोल रही है नोटा, बाकी सब लोग बोल रहे हैं डी, मुझे ऐसा लग रहा है, देखो
अगर मैंने अपने मेरे पापा ने मुझे समझाया कि बेटा ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे करना, और मैंने उनकी बात सुनी लेकिन उनकी बात को ध्यान नहीं दिया और मैंने अपनी वाली ही करी, तो इसको क्या बोलते हैं? डंकी डिडंट पे अटेंशन टू वर्ड्स, उसने जो भी कहा उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया और लास्ट में एंड सैंग अ सॉन्ग, और गाना गाया, सैंग अ सॉन्ग मतलब गाना गाया, तो गाता ये बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर डी होना चाहिए था, नन ऑफ डीज नहीं है, बिल्कुल सही है। टोनी आपका गलत हुआ, प्राची आपका गलत हुआ, मैंने कहा था इट इज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, एग्जैक्ट आंसर नहीं देता, इट शुड बी योर एबिलिटी टू गेट टू पुल आउट द आंसर फ्रॉम द क्वेश्चन गिवन, ओके डी इज द राइट आंसर, गुड। चलो अगला क्वेश्चन, यार इसमें दो ही क्वेश्चंस था, चलो क्वेश्चंस मैटर नहीं करते, मैं जो बताने जा रहा हूं वो सुनो, सब लोग मोबाइल लेना, गूगल प्ले ओपन करना, सुन लो पहले, गूगल प्ले पर जाना, ठीक है, गूगल प्ले पर टाइप करना, देखोगे एक तरफ गेम लिखा रहता है, एक तरफ एप्स लिखा रहता है, ठीक है, एक तरफ मूवीज लिखा रहता है और एक तरफ लिखा रहता है बुक्स, ठीक है, तो गूगल ऐप के, गूगल प्ले के ऐप पे ना जाकर बुक्स पे टच करना, सुन लो मेरी बात, ठीक है, ये क्यों बता रहा हूं अभी बताऊंगा, करके देखोगे तो समझ जाएगा, बुक्स पे टच कर दिया, अब बुक्स की पूरी लिस्ट ओपन हो गई, तो एकदम टॉप लेफ्ट टॉप अच्छा चलो अभी आवाज आई सबको, हेलो ओके ओके ओके, अभी बताओ आवाज आ रही कि नहीं, कमेंट करो।
ठीक है, ओके आवाज आ गई। चलो सुनो, फिर से सुन लो। एक्चुअली यार ये कभी कभी टेक्निकल इशू होता है, इसे एडजस्ट कर लिया करो। हाँ दुष्यंत, मैं समझता हूँ आप सही बोल रहे हैं कि यार थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है, तो क्योंकि पढ़ाई एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है, इस तरह की डिस्टरबेंस से थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बट यार समझो, थोड़ा सा इस तरह की सिचुएशन से टैकल करना होता है टेक्निकली। चलो चलो ठीक है, ओके शुरू करते हैं। वॉट एवर दुष्यंत हो ना, नाराज हो गए आरपी सिंह? हाँ कोई नहीं कोई नहीं, साथ बने रहो ठीक है। एक्चुअली होता है, कैसे बताऊं, मतलब कभी कभी टेक्निकल इश्यूज आते हैं यार हर चीज में। कभी कभी अपना मोबाइल भी हैंग हो जाता है, नहीं तो ये इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में। वॉट एवर चलो शुरू करते हैं। देखना मैंने क्या बोला, गूगल प्ले डाउनलोड करो, उसके बुक वाले सेक्शन में जाओ, और बुक वाले सेक्शन में जाकर उसमें टॉप फ्री बुक सर्च करके उसको डाउनलोड करो। कोई भी एक बुक होगी, ढेर सारी बुक्स की लिस्ट दी गई है, कोई एक बुक डाउनलोड करो। वो बुक डाउनलोड ओपन होगी किसमें, रीड बुक करोगे तो गूगल का एक वो आता है, गूगल का प्ले बुक्स आता है, गूगल प्ले बुक्स के नाम से एक आइकॉन डाउनलोड करना होगा, एक और एप्लीकेशन, इसमें वो बुक ओपन होगी। अब ये बुक पढ़ोगे, करना ये घर पर जाकर ठीक है, और ये बुक पढ़ोगे और पढ़ते पढ़ते मान लो कोई वर्ड फंस गया तो उसको ढूंढने की जरूरत नहीं, उस वर्ड पे लॉन्ग प्रेस किए रहो, उस वर्ड पे लॉन्ग प्रेस किए रहो ठीक है, तो उस वर्ड की मीनिंग नीचे विद सिनोनिम इजी इंग्लिश में लिखकर समझ में आ जाएगी। कोई भी वो पैसेज, जैसे कभी भी कोई नॉवेल पूरा क्यों नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि उस वर्ड की मीनिंग समझ आ नहीं रही। अब मीनिंग समझ नहीं आ रही तो क्या करते हो, बार बार इधर उधर जाकर ढूंढते हो, इससे डिस्टर्बेंस बढ़ती है। तो ऑन द स्पॉट उस वर्ड को लॉन्ग प्रेस करोगे, उसके नीचे उसकी मीनिंग दिखा देगा। फिर दूसरी लाइन में कोई वर्ड फंस गया, तुरंत उसको लॉन्ग प्रेस करो, उसके नीचे उसकी मीनिंग दिखा देगा। इससे एक एक लाइन पे एक एक वर्ड तैयार होते चलेंगे और पूरी की पूरी कहानी समझ में आनी शुरू होगी, और बड़ी बड़ी नॉवेल्स खत्म कर सकते हो, अच्छी अच्छी नॉवेल्स जो नेट पर मौजूद हैं। और साथ ही साथ वो वर्ड को अंडरलाइन कलरफुल कर सकते हो और सेव कर सकते हो आगे फर्दर काम आने के लिए ठीक है। तो रीडिंग स्किल अच्छी करना पड़ेगा। करना क्या है, प्ले स्टोर में बुक्स में जाकर, टॉप फ्री में जाकर बुक डाउनलोड करो, वो बुक ओपन होगी गूगल प्ले बुक्स में, उसे पढ़ना शुरू करो, लॉन्ग प्रेस करो, उस वर्ड की मीनिंग दिखा देगा, कोई भी कठिन से कठिन वर्ड हो ठीक है, करना जरूर इसको। ओके मेरी बात समझे? चलो अब आएंगे हम लोग पैसेज नंबर टू पर, पैसेज नंबर टू करेंगे ठीक है। या कुछ एरर का क्वेश्चन किया जाए, एक पैसेज बहुत है, एक दिन में एक पैसेज ठीक है। तो चलो अब एरर के क्वेश्चन उठाते हैं, मुश्किल से मुझे 1 मिनट लगेगा ये शिप चेंज करने में ठीक है, 1 मिनट रुको। चलो एरर के क्वेश्चंस करेंगे ठीक है, 10 क्वेश्चन एरर के करेंगे हम लोग, साथ देना। क्वेश्चन नंबर वन, चलो चालू हो जाओ, क्वेश्चन नंबर वन पढ़िए दुष्यंत। हाँ दुष्यंत प्लीज यार, 1-2 दिन मैनेज कर लिया करो, मैं उसको सही करने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक है। देखो धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, अगली क्लास से और इस तरह की प्रॉब्लम्स खत्म कर दूंगा मैं ठीक है। चलो बताना, क्वेश्चन नंबर वन है, क्वेश्चन नंबर वन में कहीं एरर है, वो एरर फाइंड आउट करना है ठीक है, एरर फाइंड आउट करना ही है। कोशिश करिए और बताइए मुझे, एज सून एज ही गॉट द लेटर एट वंस ही स्टार्टेड रीडिंग, ही स्टार्टेड रीडिंग, उसने पढ़ना शुरू कर दिया। बताओ कौन से सेक्शन में गलती है, जो ऐप मैंने बताया है वो पढ़ना जरूर ठीक है, वो जरूर पढ़ना। कोशिश करो बताओ इसका आंसर। नीरज आंसर देंगे ठीक है, सब लोग आंसर दीजिए। देखिए नहीं दिखा तो मैं बताऊं, देखना सब लोग, बहुत इजी आंसर है इसका। देखो मैं बताता हूं कैसे, जब एज सुन एज कह दिया,
एज सून एज का मतलब ही होता है एट वंस, ठीक है। एट वंस और एज सून एज ये दोनों एक ही चीज होती हैं। तो जब एज सून एज से सेंटेंस शुरू कर दिया तो इसके साथ एट वंस लगाने की कोई जरूरत नहीं, सुपरफ्लुअस का क्वेश्चन था इसलिए। क्यों? क्योंकि रिडंडेंट हो जाता है, इसको बोलते हैं रिडंडेंट, मतलब अनावश्यक, अनावश्यक है। जब एज सून एज कह दिया तो एट वंस लगाना रिडंडेंट है, अनावश्यक है, तो इसलिए ऑप्शन तीन जितने लोगों ने दिया था वो बिल्कुल सही है, ठीक है। ओके और सुनो, क्वेश्चन नंबर तीन, क्वेश्चन नंबर दो क्या कहता है? एज सून एज द वॉचमैन रिंग्स द बेल, जैसे ही वॉचमैन ने रिंग बजाई, बेल बजाई, देन ऑल द वर्कर्स असेंबल्ड इन द हॉल। बताओ क्या ये सही है, कौन सा गलत है? केवल अभी एक की बात करेंगे, अब दूसरे की बात करेंगे, ठीक है। उपेंद्र सिंह ने बोला नो एरर, चलो एट वंस नहीं होगा। वेरी गुड टोनी स्टार्क, स्लैंग है, वेरी गुड प्राची। दुष्यंत, देन नहीं आएगा, वेरी गुड दुष्यंत, बहुत अच्छे, वेरी गुड, नाइस। क्यों? एज सून एज एक कंडीशनल केस है या सिचुएशन है, तो उस केस में केवल क्वामा लगा दिया, तो क्वामा लगाने के बाद कभी भी देन लगाने की कोई जरूरत नहीं। देन के साथ देन नहीं आता, इफ के साथ देन नहीं आता, एज सून एज के साथ देन नहीं आता, मतलब देन कहीं पर आता ही नहीं, ठीक है। देन जैसी कोई चीज ही नहीं ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर में, याद रखना, कहीं भी देन लगा उसे हटा देना है, ठीक है। तो ऑप्शन टू हो जाता। क्वेश्चन नंबर तीन बताओ, नो सूनर डिड द मनी नो सूनर डिड द मंकी सी डिड द मंकी सी द टाइगर व्हेन इट जंप्ड, कौन सा आंसर होगा? आप ही सिंह ने बोला दो, वैष्णवी ने बोला दो, अच्छा ये पिछला वाला बोल रहे हो क्या सब लोग? अभी वाला बोलो, देखो मैं बताता हूँ इसका क्या आंसर। प्राची ने बोला चार, कारण बता सकती हो प्राची? उपेंद्र ने भी बोला चार, वेल की जगह देन आएगा, वेरी गुड टोनी, बहुत अच्छे, वेरी गुड दुष्यंत, बहुत अच्छे, ये दोनों लोग परफेक्शन के साथ काम करते हैं। अंकुश आंसर नहीं दे रहे, आयुष और अंकुश, तो सुनो सही आंसर क्या है। जब नो सूनर कह दिया, नो सूनर में ई आर आ रहा, कॉम्परेटिव डिग्री का सेक्शन है ना, तो इसके साथ वेन नहीं आता, इसके साथ हमेशा क्या आता है? टी एच ई एन, नहीं टी एच ए एन, देन, देन इट जंप्ड। और हाँ, डिड के साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, सी का सॉ नहीं कर देंगे। और हाँ एक और चीज, नो सूनर एक निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव एडवर्ब है, निगेटिव एडवर्ब से अगर सेंटेंस शुरू होता है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, ठीक है। मैं ग्रामर एक्सपर्टिज्म हूँ, ठीक है, बट अभी धीरे धीरे लेवल टच करूंगा, वेट करना, अभी बस वार्म अप क्लासेस चला रहा हूँ, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए इस चैनल को आगे बढ़ाने में, ठीक है। तो इसको जो है फॉलो करो, लोगों को बताओ कि 11 बजे और रीजनिंग और इंग्लिश की फ्री क्लासेस चल रही हैं, रोहित सर भी रीजनिंग की क्लासेस लेते हैं, उनकी भी क्लासेस अटेंड करो, ठीक है। रवि सर को तो सब लोग जानते होंगे। चलो क्वेश्चन नंबर चार का आंसर मुझे चाहिए। नो सूनर डिड आई रीच द ऑफिस देन इट स्टार्टेड रेनिंग, ये सही है या गलत है, और गलत है तो क्या सही होगा? सर मेरे कमेंट्स शो नहीं हो रहे हैं क्या? नहीं आयुष, आपके कमेंट्स अभी को दिखे, नो सुना, हाँ दिख गया, नहीं सॉरी मैंने अब अटेंशन नहीं दिया था बाबू, ठीक है। आयुष मैंने देखा नहीं था एक्चुअली, कैपिटल लेटर में नाम लिखा करो, आयुष स्मॉल लेटर में लिखा है ना इसलिए शो दिख नहीं दिखा, बड़े बोल्ड लेटर्स में लिखा करो। अमरेंद्र बाहुबली, नो सुना के साथ देन कब लगता है? नो सुनर के साथ देन ही लगता है, कब लगता है? नहीं, हर समय लगता है, अगर वो कंडीशनल केस में आ रहा, ठीक है, या फिर वो कंजंक्शन के रूप में आ रहा और ये एडवर्ब के रूप में निगेटिविटी से शुरू है तो देन नहीं लगता, टी एच ई एन देन नहीं लगता, टी एच ए एन देन लगता है। हाँ वेरी गुड, सही है। चलो अगला क्वेश्चन, हार्डली स्कार्सली बेयरली रेयरली सुने होंगे, हार्डली स्कार्सली बेयरली और रेयरली सुना होगा, ठीक है। ये भी निगेटिव एडवर्ब है, जब कभी भी निगेटिव एडवर्ब से स्टार्टिंग हो तो इन्वर्जन का नियम कहता है कि पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा, और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये बिल्कुल सही है, ठीक
तो हार्डली स्कार्सली बेरली हैड शी सीन हर आंट, देन होगा देन की प्लेस पर देन होगा प्राची, सही है ये वाला बताओ, फॉलोड बाय व्हेन, वेरी गुड दुष्यंत, बहुत अच्छे। याद रखना कि नो सूनर के साथ देन आता है, लेकिन हार्डली स्कार्सली बेयरली रेयरली के साथ व्हेन या बिफोर में से कोई एक आता है। चाहो तो व्हेन लगा सकते थे, चाहो तो बिफोर लगा सकते थे, ठीक है? तो यहाँ पर देन ना लगाकर इसकी जगह क्या लगाना चाहिए था, व्हेन। अगर व्हेन भी नहीं सही बैठ रहा होता तो बिफोर भी लगा सकते थे, कोई गलत नहीं होता, दोनों में से कोई भी एक लगा सकते हो। आई बात सभी को समझ? चलो हार्डली से फिर से सेंटेंस शुरू हुआ, हार्डली वी हैड रीच्ड द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड, नो एरर। किस पे टिक लगाना चाहोगे? सिक्स का आंसर सब लोग देंगे पहले, ठीक है? सिक्स का आंसर दीजिए। सिक्स का आंसर चाहिए मुझे। ही वी हैड वी रीच्ड, दुष्यंत बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है आपका, मजा आ गया। ठीक है, देखो दुष्यंत आपकी जो कंप्लेन है मैं उसे पक्का सही कर दूंगा अगली क्लास में, ठीक है? और वो मैं बिल्कुल समझता हूँ यार, मैं खुद रहता तो इरिटेशन आ जाती है, बीच में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, वो भी इंग्लिश पढ़ते समय, तो बिल्कुल मजाक नहीं चाहिए, जनरल स्टडी में चल जाता है, ठीक है? बट ये जरूरी है। चलो दिखा दूं मैं, अभी मैंने कहा था हार्डली स्कार्सली बेरली रेयरली एक निगेटिविटी को शो करने वाला एडवर्ब है, और जब कभी भी निगेटिविटी को शो करने वाला एडवर्ब होता है तो उसको बोलते हैं इन्वर्जन का नियम। इन्वर्जन का नियम ये कहता है कि इन्वर्स कर दो, क्योंकि सेंटेंस निगेटिविटी से शुरू है तो पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं आना चाहिए था, पहले हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए था फिर सब्जेक्ट आना चाहिए था। तो ऑप्शन किस पे टिक लगाना चाहिए था? टू पर टिक लगाना चाहिए, हैड बी रीच्ड होगा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। टोनी वैष्णवी आरपी सिंह अमरेंद्र, कॉमन एरर नहीं बताना है सर, कॉमन एरर नहीं बनता है सर। अरे अमरेंद्र मेरी क्लास करो, मैं कॉमन एरर का ही एक्सपर्ट हूँ, मैं वोकैबुलरी और कॉमन एरर का ही एक्सपर्ट हूँ, ठीक है? तो अभी कुछ दिन में कॉमन एरर्स की क्लासेस और 100-100 एरर्स एक एक घंटे में करवाऊंगा, खुद आ जाएगा। 100 एरर्स मतलब 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन मतलब 100 रूल, 100-100 रूल रोज पढ़ोगे आ जाएगा, ठीक है? हाँ बशर्ते यही है कि टाइम पर आओ, लोगों को भी बताओ, और भी 10-12 लोगों को पढ़ाने मजा नहीं आता, कम से कम 100-200 बैठेंगे तो कॉम्पिटिशन मजा आता है। चलो देखो एक मिनट रुको, ये नवा क्वेश्चन करो, सातवां आठवां नहीं, नवा क्वेश्चन करो सब लोग, अब मुझे बताओ क्या आंसर होगा, सातवां आठवां बाद में, पहले नवा क्वेश्चन चाहिए मुझे। क्वेश्चन नंबर 9th का सॉल्यूशन क्या है? आंसर दो, डेली आओ, डेली आओ अमरिंदर, हाँ सही है, मैं पक्का गारंटी दे रहा हूँ मैं सही करवा दूंगा। एरर के एक्सपर्टिज्म में ही तो दिन, मैंने बहुत किताबें पढ़ी एरर पर, इतनी पढ़ी है कि एरर पर इतने रूल्स बनाए मैंने शॉर्टकट तरीके से कि सारे बताऊंगा तो सीखना, ठीक है? और मेरी एक पेड बैच भी शुरू होगी अभी, अभी ये लॉकडाउन के बाद ही 20 अप्रैल के करीब में एक शुरू होने वाली है, उसमें जो है और डिटेल लेकर चलता हूँ मैं। एक्चुअली ये चीजें मैं इसमें एक घंटे में कितनी चीजें भी सिखाऊंगा वो कम पड़ जाएगा, बैच होती है तो एक बाउंडेशन सी हो जाती है। हैडेंट नहीं आएगा, वेरी गुड, क्या आएगा फिर? हार्डली ऑलरेडी निगेटिव है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। टोनी ने बोला हैडेंट ना होकर सिर्फ हैड होगा, ओके ठीक है, दुष्यंत ने भी यही बोला, ठीक है? देखो जब हार्डली कह दिया, हार्डली एक निगेटिव वर्ड है, जब एक निगेटिविटी पहले से विद्यमान है तो आपको दोबारा नॉट लगाने की जरूरत नहीं। इसके लिए अभी मैंने एक वर्ड बताया था अनवांटेड, सुपरफ्लुअस, और एक वर्ड क्या था टाइप करके बताओ, अनचाहा, अनचाहा, इसके लिए एक वर्ड बताया अभी इंग्लिश में आर से बताया था, क्या था वो वर्ड? वो वर्ड था रिडंडेंट, रिडंडेंट, ठीक है? याद रखना कि जो जो लोगों की जरूरत नहीं होती उसको बोलते हैं रिडंडेंट, ठीक है? जिंदगी में बहुत से दोस्त भी ऐसे होते हैं जो रिडंडेंट हो जाते हैं, अब उनकी कोई जरूरत नहीं, ठीक है, बदमाश हो जाते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर 8 बताओ क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? व्हाइल किचनर वैन, क्यों ऐसा हुआ, कारण क्या है? क्योंकि हार्डली स्कार्सली बेयरली रेयरली इसके साथ कभी भी वैन लगता है, व्हाइल नहीं लगता, ठीक है। हाँ, एक और चीज याद रखना, शी हैड होगा कि हैड शी होगा, मतलब हैड शी होना चाहिए था कि शी हैड होना चाहिए था, ये सही है या गलत है इतना बताओ। व्हाइल की जगह वैन होगा सही है, मानता हूं सर। 3 व्हाइल की जगह वैन होगा सही है, व्हाइल के प्लेस पर वैन होगा। अच्छा चलो ये तो ठीक है, मैं मानता हूं, सब लोग जानते हो व्हाइल की जगह वैन होगा। मुझे ये बताओ, निगेटिविटी है तो शी हैड होगा कि हैड शी होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, क्या बोलते हो? हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गया। बाकी ये एक्चुअली कमेंट देर में आता है ना, इस वजह से। चलो मैं वेट करता हूँ, इसका आंसर बताओ जरा कि शी हैड होगा कि हैड शी होगा, बस इतना बता दो। स्कार्सली नहीं, स्कार्सली की पोजीशन अगर ना हटाएं, स्कार्सली अपनी जगह पर ही रहने दें, तो अगर मैं ये पूछूं कि स्कार्सली अपनी जगह पर ही है तो हैड शी होना चाहिए था कि शी हैड होना चाहिए? अमरेंद्र ठाकुर वेरी गुड, आरपी सिंह ने बोला वेरी गुड, प्राची ने भी बोला वेरी गुड, सही है, बहुत अच्छे, नाइस, वही होगा, आयुष ने भी बोला। चलो याद रखना, जब हार्डली स्कार्सली बेयरली रेयरली, ठीक है, ये बीच उच में आए, शुरुआत में ना हो, तब पहले सब्जेक्ट आएगा फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा। लेकिन अगर ये बीच में ना आकर शुरुआत में आ जाता, ठीक है, तब पहले है। चलो वट एवर, बड़ा मजा आया, अब आप लोगों के हाथ में है, कल फिर आऊंगा मैं 11 बजे के करीब में, ठीक है, साथ देना, टाइम पर आना, और पूरी कोशिश करूंगा कि माइक की प्रॉब्लम, नेट की प्रॉब्लम या इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। आप लोग के साथ की जरूरत है, थोड़ा सा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बढ़ाओ, 4 लोगों को बताओ कि घर पर बैठकर ऐसी सिचुएशन में महीने 2 महीने फ्री में क्लासेस चलाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग के एक स्टूडेंट जोन की जरूरत है जिसमें कॉम्पिटिशन आप लोगों को भी मिले, इसलिए इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। किसी ने कुछ पूछना कहना बताना है तो बता, कह लो, पूछ लो, ठीक है, क्योंकि थोड़ा इधर से मैं कमेंट्स पर कम ध्यान दे पाता हूँ पढ़ाते पढ़ाते। नहीं ठीक है अमरेंद्र, आना बाबू, ठीक है, आओ, पक्का आओ, ठीक है, थैंक यू वेरी मच आयुष, ओके, दुष्यंत दुष्यंत रेगुलर रहेंगे, ठीक है, प्राची, एसपी सिंह सब आएंगे, ठीक है, ओके ओके एवरीबडी। सर पैरा जंबल, आयुष मैं पूरी कोशिश करूंगा, कल एक पैरा जंबल भी करवाऊंगा, एक पैसेज रोज, 10 वर्ड मीनिंग रोज, 10 एरर रोज, ये 3 चीज का टारगेट रहेगा मेरा, वर्ड मीनिंग, एरर और पैसेज, ये टारगेट रहेगा, ठीक है, ओके ओके। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, हाँ पैरा जंबल उसी को कहते, मैं करवा दूंगा, ठीक है, मुझे टाइम दो, धीरे धीरे सब आएगा लाइन पे, ठीक है, जल्द से जल्द आएगा। तो चलो बस करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर सभी के लिए, मजा आया आप लोगों के साथ पढ़कर, थैंक यू, बाय बाय।